बड़ी खबर है इस टाइम जम्मू के एमए स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं और रोहिंग्या जो कि इनलीगली जम्मू में काफी देर से रह रहे थे उनकी वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज यहां पर जो है उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी जम्मू के अंदर इनलीगली रह रहे थे उन सबको बारी बारी यहां अंदर भेजा जा रहा है और उनकी जो है वेरिफिकेशन की जा रही है। पता किया जा रहा है वो कहां से आए हुए हैं, कब से यहां पर रह रहे हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, इस सारी चीजों की जानकारी लेकर जो है उनको फिलहाल यहां से भेजा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसके अंदर जो है बड़ा काम कर रही है और जितने भी रोहिंग्या यहां पर रहने वाले हैं उनका एक बार फिर से जम्मू के अंदर वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी बार जो है वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स रोहिंग्याज के तैयार किए गए हैं लेकिन इतने बड़े स्तर के ऊपर पहली बार जम्मू के अंदर जो है इनकी वेरिफिकेशन और इनका बायोमेट्रिक्स तैयार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब मोदी सरकार ये मन बना चुकी है कि जम्मू से इलीगली रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा जा सके और जरूरत भी है। क्यों यहां पर ये लाए गए सवाल अब मैं वो खड़ा नहीं करूंगा लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जब से यहां रह रहे थे इलीगल एक्टिविटीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, ड्रग्स क्राइम ह्यूमन ट्रैफिकिंग टेररिज्म एक्टिविटीज, इन सब एक्टिविटीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी जो कई खबरों में हम आपको बता चुके हैं। पिछले दो तीन दिनों में दो रोहिंग्याज को भी गिरफ्तार किया था जिनसे जाली पासपोर्ट, जाली आधार कार्ड, जाली पैन कार्ड, जाली वोटर कार्ड उन दोनों से बरामद हुए थे जिससे कि कई सारे और लिंक्स भी मिले हैं। ये अपडेट के बाद और इस डेवलपमेंट के बाद पुलिस ने जो है अब इनकी वेरिफिकेशन, इनका बायोमेट्रिक्स तैयार करना शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जम्मू के अंदर इलीगली रह रहे इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों की अब वापसी की तैयारी आखिरकार शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट आप एमए स्टेडियम जम्मू से देख रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि इस रिपोर्ट के बाद कई सारे जो परेशान जीवी लोग हैं वो परेशान जरूर होंगे।